रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने रखी है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए 6 सितंबर की शाम को रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम के जो सेंटर वगैरह है उससे संबंधित पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी उस नोटिफिकेशन के अंदर। और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी हम रेलवे की ग्रुप डी या फिर ALP और टेक्नीशियन से संबंधित कोई भी नया अपडेट लेकर आएंगे तो उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी और आप वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर क्लिक करते ही आप इस साइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहां पर रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्रों के रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। आप तो इनमें से शायद अधिकतर वेबसाइटों पर उस नोटिफिकेशन को डाल दिया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ से क्लिक करके और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर खोली रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अजमेर की वेबसाइट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी सभी वेबसाइटों पर भी शायद अपलोड कर दिया गया होगा इस नोटिफिकेशन को, लेकिन आपको मैं यहीं से एक बार डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग जो पहला ही नोटिफिकेशन देख रहे हैं, 6 सितंबर 2018 इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ CN2 2018 ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके और डाउनलोड कर लीजिए। तो एक बार इसे डाउनलोड करके देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें जानकारियाँ दी गई हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिस ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, और इसके बारे में पूरी डिटेल्स देखते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ लेवल फर्स्ट पोस्ट एज पर 7th CPC शैल स्टार्ट फ्रॉम 17 सितंबर 2018, मतलब आपके जो एग्ज़ाम है ये 17 सितंबर 2018 से स्टार्ट होंगे। इसकी जानकारी आपको पहले भी दे दी गई थी नोटिफिकेशन के द्वारा, कम से कम इसको 10 या 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ नया दिया गया है तो यहाँ पर पूरा शेड्यूल आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइड में आपको शेड्यूल के अंदर डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और दूसरी तरफ दी हुई है शेड्यूल डेट। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले है कमेंसमेंट ऑफ CBC, तो 17 सितंबर 2018, मतलब 17 सितंबर 2018 से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगे। और एक्टिवेशन ऑफ मॉक लिंक फॉर CBT 10 सितंबर को, मतलब आप 10 सितंबर से आप ये जान पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम सिटी सेंटर वगैरह कहाँ पर होंगे, उसका लिंक आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, इसी के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंटीमेशन ऑफ एग्ज़ाम सिटी एंड शिफ्ट एंड डेट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 सितंबर 2018 को आपके एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम शिफ्ट के बारे में पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को चेक करना है, किस तरह से अपने एग्ज़ाम सिटी वगैरह को आपको देखना है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर SC ST वालों के लिए कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको ट्रेन ट्रैवल अथॉरिटी के लिए किस प्रकार से जानकारी दी जाएगी 10 सितंबर को, तो आप लोग इसे चेक कर पाएंगे। और नेक्स्ट और मेन बात जो आती है कि हमारे ECOL लेटर या प्रवेश पत्र जो है वो कब से हमें मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 days prior to the CBT डेट ऑफ द कैंडिडेट, मतलब आपको यह जो 9 सितंबर को एग्ज़ाम डेट वगैरह पता चलेंगी, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में है 17 अगस्त को है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले, मतलब 13 अगस्त को आपके वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम लेट है, मान के चलिए 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग उसे डाउनलोड कर पाएंगे शायद 17 या 16 सितंबर को। और नीचे भी कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के बारे में कुछ स्कीम्स, तो यहाँ पर आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 1.5 घंटा आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मिलेगा। और आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे टोटल 100 क्वेश्चंस। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपको इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए और आप वीडियो देखें सबसे पहले।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।